बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां मदरसा शिक्षक बहाली के इंटरव्यू में जमकर हंगामा होने के बाद इंटरव्यू को फिलहाल टाल दिया गया है। मामला पूर्णिया के केनगर प्रखंड स्थित झुन्नी स्तंभरा मदरसा का है, जहां गुरुवार को मदरसा शिक्षक के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था, तभी मौके पर ग्रामीण पहुंचे और इंटरव्यू में धांधली मनमानी का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इंटरव्यू से पहले अखबार और स्थानीय मीडिया के माध्यम से विज्ञापन निकाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बदले पटना के एक उर्दू अखबार में विज्ञापन देकर खानापूर्ति कर दी गई, जिसका पता सीमांचल के लोगों को नहीं चला। इसके साथ ही ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मदरसा की कमेटी ने मनमाने ढंग से इंटरव्यू की टीम गठित कर बहाली की प्रक्रिया करना चाहा था और आवेदकों में जो लोग आए थे वे किसी न किसी तरह से इंटरव्यू कर रहे टीम के लोगों से जुड़े हुए थे। ग्रामीणों के विरोध के बाद इंटरव्यू के लिए आई विशेषज्ञों की टीम ने इंटरव्यू को टाल दिया और अब बोर्ड से अगले आदेश का इंतजार करेगी। कि यहाँ जो अभी टीम बनी है, जो कमेटी बनी है, ये मनमाने ढंग से बनाया गया है, तो क्या इसकी सच्चाई है? टीम गठित कैसे की गई थी यहाँ पर? पहले भी पूर्व में ये टीम गठित करने से पूर्व भी हम सेक्रेटरी थे, और अभी जो ट्रस्ट का जो कानून मतलब बन के ट्रस्ट मदरसा बोर्ड में दिया गया है कि जो जमीन दाता है, जो वक्फ किए हैं फ्री मदरसे को, तो उसी का चाहे तो अगर वो जीवित है तो खुद स्वयं वो अधिकृत है सदर सेक्रेटरी या मदरसे के मेंबर में, अगर वो नहीं बनना चाहते हैं तो वो कम से कम लिखित रूप में दे के हम इसमें नहीं भाग लेना चाहते हैं या हिस्सादार नहीं बनना चाहते हैं, तब कोई भी आवाम का कोई भी लोग इसमें समर्थन करेंगे वही बन सकते हैं। अगर वो स्वयं न बने तो वो समर्थन जिसको करेंगे गाँव के वो बन सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रक्रिया आज हुई है, जो इंटरव्यू के लिए लोग आए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि ये टीम को जो है बस यहाँ की कमेटी ने ही अपने से बनवा लिया है। क्या इन्हें बोर्ड की तरफ से आदेश मिला था इंटरव्यू का? जी नहीं, बोर्ड तो नहीं, मतलब सेक्रेटरी को ही अख्तियार है कि पूर्णिया जिले के अंदर में जितने भी उच्च कोटि के मदरसा है उसके प्रिंसिपल को यहाँ पर मतलब चिट्ठी इशू किया जाता है सेक्रेटरी के नाते से, उस टीम को यहाँ वहाँ के प्रिंसिपल को जिसको सेलेक्ट किया जाता है, कमेटी जो सेलेक्ट करके एक चिट्ठी दिया जाता है, उसी सेलेक्ट के हिसाब से वो यहाँ मदरसा पहुँचते हैं इंटरव्यू के लिए। गांव वाले विरोध क्यों कर रहे हैं फिर इन चीज़ों का? गांव वाले विरोध किए कि इससे पूर्व जो सदर साहब थे तो उनका वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं गाँव छोड़ के, वो माधोपाड़ा पूर्णिया में जमीन घर मकान बना के शिफ्ट कर गए, यहाँ गाँव में रहते भी नहीं। तो ये नया कमेटी जो गठित हुआ तो आवाम में ये बात हुआ कि वो यहाँ गांव छोड़ दिए, तो उसके बदले पे जो डोनर है उसी को लिया जा, जो अभी सदर बने हैं वो पूर्व भी मेंबर थे, सिर्फ इतने चेंजिंग हुआ पुराने और नई कमेटी में। तो आप पहले भी सदर थे और अब भी सदर? मैं पहले भी सेक्रेटरी थे, अब भी सेक्रेटरी है। अब भी आप सेक्रेटरी जी? फिर बदलाव ऐसा कुछ खास हुआ नहीं? कुछ नहीं, मेंबर भी सारे वही लोग हैं। अच्छा, जो पुराने थे वो बदले? उसका भी अप्रूवल है मेरे पास, पुराना का और नया का दोनों का अप्रूवल है। उसमें सिर्फ एक चेंजिंग यही हुआ कि सदर जो पुराने थे वो यहाँ से प्लान करके शहर शिफ्ट कर गए, और डोनर नहीं थे, जमींदाता नहीं। ये जो विरोध हुआ तो नतीजा क्या निकला? नतीजा तो पूरा हंगामा, प्री प्लान तीन चार से सुन रहे थे हंगामा करेंगे, पूर्व सरपंच उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और फिर वल्ली वन। अच्छा, ये जो विज्ञापन निकलता है इसका, तो ये विज्ञापन कौन है, कमेटी की तरफ से निकाला जाता है या फिर बोर्ड की तरफ से निकाला जाता है? नहीं, मतलब कमेटी की तरफ से निकला। कमेटी की तरफ से, तो परमिशन लेना पड़ता है। लोगों का कहना है कि ऐसे अखबार में दिया गया जिसकी सूचना हमारे सीमांचल या पूर्णिया में अखबार नहीं पढ़े जाते हैं। देखिए, ऐसी बात है कि अभी मेरे गाँव में शायद को पेपर यहाँ पहुँचता हो, और हमने पता किया कि मदरसा बोर्ड से जो सिलेक्शन पेपर है उर्दू में जो शायद होता है रोजनामा, तो उसमें ये पेपर भी सिलेक्टेड है, उसी पेपर में निकाले। और एक बात, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए जिस तरह अभी हंगामा मचाया कि हम लोग को जानकारी नहीं है, तो जो हंगामा मचा रहा है उसका भाई और भांजा एप्लीकेंट है, जो मेरे पास एप्लीकेशन है, से 10 दिन पहले का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। अच्छा, अगला कदम आप लोगों का अब क्या होगा, चूँकि आज तो इंटरव्यू स्थगित हो गया है? जी, अगला कदम अब हम लोग कमेटी बैठ करके इसका विचार करेंगे, और जैसा होगा दूसरा पेपर में जो पूर्णिया आता हो
उस पेपर में इंटरव्यू निकालेंगे, विज्ञापन निकालेंगे, उसके बाद फिर उस विज्ञापन में डेट का निर्धारित होगा, जो अगला मतलब एप्लीकेंट है उसको रखते हुए जो बाहर से और एप्लीकेंट पड़ेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। नाम क्या होगा आपका? एम डी सलाउद्दीन। अब बोर्ड में क्या है अभी यहाँ कमेटी में? मदरसा फैजुल गुरबाज हुनी सपरार के सेक्रेटरी है। यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, 10 साल से हम सरपंच हैं। यहाँ जो है कि एक मदरसा है झुन्नी इस्तंबरार, जिसका नंबर है 961। इसमें जो है कि आलिम हाफिज और मतलब जो है कि मौलवी की बहाली होनी है, तो उसके लिए चाहिए कि एड जो है कि जो निकला तो वो तो यहाँ के लोकल चैनल में निकलना चाहिए या लोकल पेपर में निकलना चाहिए। ये पटना के पिंडार पेपर में निकाला गया, जो कि यहाँ सीमांचल में वो पेपर चलता ही नहीं है। लोगों ने इलाज के लिए पटना गया था, वहाँ उन्होंने पेपर पढ़ा तो पता चला कि झुन्नी मदरसा का है, तो उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया। तो यहाँ का जनता जो है कि बिल्कुल मतलब ये है कि मालूम जानकारी ही नहीं है कि वो यहाँ फॉर्म फिलअप करे। जिसको जिसको व्हाट्सअप पे गया वो उन्होंने जा करके फॉर्म फिलअप किया है। तो हम लोगों ने मतलब जो है कि इसका मतलब इंटरव्यू का डेट भी मतलब ये लोग सुनिश्चित कर लिया है। तो हम ग्रामीण लोग कल दिनांक 18/9/2019 को जाकर के 50-60 आदमी का दस्तखत करके और आवेदन जिला पदाधिकारी के नाम से बनाए हैं, और जो है एक कॉपी डीओ को दिए हैं, एक कॉपी बीओ को दिए हैं, एक कॉपी जो है कि हम मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को दिए हैं कैंसिलेशन के लिए, कि फिर पुनः जो है कि इसका मतलब विज्ञापन निकाल करके यहाँ के लोकल चैनल पेपर में दे करके और जो है पुनः बहाली कराया जाए। लेकिन ये लोग जो है कि ट्रस्ट के लोग आकर के यहाँ जो है बहाली का मतलब जो है प्रक्रिया कर रहे हैं। उसी ये जो बहाली हो रही है जी, ये सरकारी तौर पर हो रही है, ट्रस्ट के थ्रू हो रही है या फिर मदरसा का जो कमेटी? ये जो एक्सपर्ट आए हैं तो वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि ये मतलब जो है कि ट्रस्ट से हो रहा है कि ना मतलब जो है बोर्ड से हो रहा है या मतलब जो है कि पहले का जो कमेटी गठित किया गया है उससे हो रहा है। वो बोल रहे हो सकता है कि अप्रूवल आ गया होगा। कौन आए हैं आज इंटरव्यू? ये हम लोगों को मालूम नहीं, वो अभी बता नहीं रहे कि हम मतलब कौन है, ना हम लोगों को कागज़ दिखाया है ना और कुछ दिखाया है। इनके पास कागजात वगैरह है इंटरव्यू लेने के? तो अभी तो हम लोगों को नहीं दिखाया है। अच्छा, ये जितने लोग हैं इसमें शामिल, क्या लग रहा है कि पटना के अखबार में देना और इस इलाके में नहीं देना, कोई साजिश की आशंका है? साजिश सरासर साजिश है, सरासर साजिश है कि इन लोगों को मालूम नहीं हो और ये कमेटी के लोग जो है कि अपना मतलब कुंभा लेकर के मतलब काम कर रहे हैं। किनको बहाल करना चाहते हैं? नहीं, बहाल ये अभी नहीं हुई है कि बहाल नहीं, लेकिन जैसा पता गांव ग्रामीणों से पता चला है हमको। साजिश कौन कर सकता है? साजिश कमेटी कर रही है। कमेटी में कौन कौन लोग हैं मुख्य रूप से? मुख्य रूप से तो पहले तो मतलब जो है कि कमेटी में थे अंसर भाई सदर थे, और जो है कि सलाउद्दीन भाई सेक्रेटरी थे और दिगर मेम्बरान थे। इधर ये लोग अपने मन से कमेटी गठित करके मतलब जो है कि यहाँ ट्रस्ट में अपने मन से, ना आवाम को पूछा गया है ना और किसी को पूछा गया है, अपने मन से रजिस्ट्रेशन करा करके बोला कि वो सदर, वो सेक्रेटरी, वो मतलब मेंबर हो गया। ये सलाउद्दीन है, उसके बाद जो है कि मुस्तकीम साहब सदर है, सलाउद्दीन सेक्रेटरी हैं और दिगर मेम्बरान है। अच्छा, तो उन लोगों के परिवार से भी कोई आवेदक है इसमें? हाँ है, जैसे एक मेंबर के का बेटा आवेदक है, उसके बाद जो है एक सदर का दामाद आवेदक है, मेंबर का सेक्रेटरी का भांजा आवेदक है। ये लग रहा है समाज को कि ये जो है कि साजिश हो रही है, इस वजह से इसको मतलब भंगन करके पुनः फिर मतलब जो है विरोध कर रहे हैं हम लोग। यार सारे समाज हैं यहाँ पे, 150 आदमी का हमने मतलब जो है दस्तखत करा करके कल जिला पदाधिकारी के यहाँ हम दिए हैं। आज इसको कंप्लीट होने देंगे? नहीं, कंप्लीट नहीं हो रही है, फिर पुनः विज्ञापन निकाल करके फिर मतलब जो है कि पटना बोर्ड अपना मतलब एक्सपर्ट भेज करके पटना बोर्ड से। ये तो लोकल मदरसा के बोर्ड है, ये अब्दुल्ला साहब को हम जानते हैं, ये लोग सारा मतलब जो है मिली भगत करके मतलब ऐसा करना चाहते हैं। आप लोग ये इसको आज होने नहीं? नहीं नहीं, हम लोग होने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम हुआ, घर मेरा झुन्नी इस्तंबरार, वार्ड नंबर 12, और जो है कि हम पूर्व सरपंच हैं, 10 साल से हम सरपंच थे। विज्ञापन पूर्णिया में निकलना चाहिए, पटना में आप लोगों ने ऐसे अखबार में निकाला जिसका इस इलाके में कोई प्राथक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग विरोध कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या निर्णय है सर? नहीं, मदरसा बोर्ड से विज्ञापन के ताल्लुक से कुछ पेपर्स जो है वो बिल्कुल सेलेक्ट है, उन्हीं पेपरों में से किसी पेपर में निकाला गया है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, विज्ञापन में कोई त्रुटि नहीं है, वो सही निकाला गया है। रही दूसरी बात, कहीं भी कोई काम हो उसके लिए बिल्कुल शांति व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर आने के बाद ऐसा माहौल लग रहा है हम लोगों को
कि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, इसलिए आवाम से या जितने भी यहाँ के मेम्बरान हैं या गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों से हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या लोगों को जानकारी है, इंटरव्यू लेना दुरुस्त होगा। अगर लोग परसेंटेज लोगों का कहना होगा कि नहीं बिल्कुल सही है इंटरव्यू लिया जाए तो हम लोग लेंगे, अगर यहाँ की आवाम नहीं चाहती है कि नहीं आज इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा तो हम लोग ले नहीं सकते। लेकिन सर एक सवाल हमारा बनता है सर कि आपने कहा कि जो सिलेक्टेड पेपर है उसी में देना है, लेकिन जो विज्ञापन होता है उसका मूल मकसद होता है लोगों तक बातें पहुँचाना, आप उस पेपर में दे रहे हैं जिसमें जिसके माध्यम से लोगों तक जानकारी नहीं पहुँच रही है, तो इसके पीछे यहाँ के एप्लीकेशन देखने के बाद यह पता चला जितना भी एप्लीकेशन है कुछ एक को छोड़ करके टोटल एप्लीकेशन लोकल का ही है, तो अगर लोकल को जानकारी नहीं हुई तो फिर उन्होंने आवेदन कैसे दिया? लोगों का तो आरोप है कि वैसे लोग आवेदन है जो कि कमेटी के सदस्य है और उनके परिवार के लोग, वो तो खैर अलग चीज, जो हम लोग कौन किससे किसका रिलेशन जुड़ा हुआ हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। यहाँ के लोगों का आरोप ये भी है कि जो टीम आई है यहाँ के लोग नहीं पता है कि वो टीम कहाँ से आई है, वो बोर्ड पटना से भेजा गया है या खुद से एक नई टीम बन कर आई है, तो ये आप मीडिया के सामने क्लियर कर दें कि आप लोग नहीं। अब जो है इधर हमारे नए चेयरमैन अब्दुल कयूम साहब आने के बाद ये बहाली का पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया है। पहले होता क्या था कि एक्सपोर्ट के लिए जो है वहाँ से चिट्ठी बनती थी एक्सपोर्ट, ये टोटल जो है दारोमदार बहाली का जितना ही प्रक्रिया है वो सारा का सारा कमेटी पर है, कमेटी ही एक्सपोर्ट को सेलेक्ट करेंगे, कमेटी ही इंटरव्यू बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। तो कमेटी अगर चाहे अपने पांच घर वाले मिलकर पांच सदस्य को रखे और कमेटी में वैसे ही लोगों को चुन दे तो ये कहां तक नहीं, नहीं इसके बाद भी, इसके बाद भी ये है जो भी सेलेक्ट होकर के जाएंगे फिर उसका इंटरव्यू होना है, चेयरमैन साहब उनका खुद इंटरव्यू लेने के बाद ही उसके अप्रूवल लेटर देंगे, ऐसी बात है। लेकिन सर बड़ी बात तो ये है ना कि जानकारी नहीं रहने के कारण बड़ी आबादी तो नहीं, ठीक है ये अच्छी बात है, हम लोग भी उसको अभी बातचीत चल ही रही है उसको देख लेते हैं, अगर मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो फिर जो बेहतर होगा सोचा जाए उसको सोच रहे हैं। मेरा नाम शेख अब्दुल्ला है, हम इंटरव्यू बोर्ड कमेटी में एक मेम्बर हैं।